हेलो दोस्तों, आज मैं ये वाला डिज़ाइन बनाने वाला हूँ जो कि जाली का टिप डिज़ाइन है। ये 2D में यूज़ होता है, 2D में ग्रेविंग में। इसको हम अरबिक डिज़ाइन भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूँगा। बॉक्स का साइज़ रखूँगा मैं इसको 1 इंच, 1 पत्ती का साइज़ अभी है, और ये पूरी हाइट जो है पूरे फ्लावर की होगी 4.5 इंच। ठीक है, 1 पत्ती बना ली मैंने। अभी ये ऊपर का हिस्सा कर्व है, मैं इसका कर्व कर दूँ। इतना कर्व ठीक है। अब ये हिस्सा भी ऊपर की तरफ कर्व है हल्का सा, ये वाला हिस्सा ऐसे, इसको भी देखता हूँ। तो मैं इसको F5 रख के EC इसको डबल क्लिक करके दोनों को प्लेट मार दिया। अब क्या करना है, मुझे लाइन को सिलेक्ट करके और मैं इसको रोटेट करूँगा, इसके अंदर कलर करूँगा, इसको ब्रेक मार दूँगा, इसको ब्रेक मारूँगा, इसको नीचे की तरफ एक बार कॉपी करके दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड करूँ। इतने हिस्सा बन गया, अब कलर डालूँगा इसमें से। मुझे इसमें से इसकी थिकनेस देखनी है कि इसकी थिकनेस कितनी देनी है, वाली थिकनेस। तो इसमें मैं थिकनेस इसमें दे देता हूँ 0.25 की मैंने थिकनेस दे दी इसमें। तो कंट्रोल कैसे तोड़ लूँगा इसको मैं, और इसको मैं बैलेंस वाला सेलेक्ट करके रिसीवर के साथ बाहर वाला और सेकंड वाले उससे बच कर दूँगा, अंदर वाले को ठीक मार दूँगा। क्या करना है मुझे, डबल क्लिक करके कंट्रोल के साथ रोटेट करना है इसको, इतना, और फिर कंट्रोल आर राइट क्लिक करके कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर पूरे को सिलेक्ट करके एक बार में वेल्ड कर दूंगा इसमें। ये देखिए इतना डिजाइन बन गया हमारा। देखिए इतना एक फूल बन गया है। इसमें मल्टी फूल कैसे बनाना है, अब ये फूल है, एक लाइन है, फिर इसके ऊपर नीचे एक लाइन आ रही है, यानी दो फूलों के बीच में एक फूल है। उसको बताता हूँ कैसे लगाना है। पहले इसमें से कलर हटा लें, वाइट में कॉपी करके, और एक के ऊपर एक को रखना है इसके ऊपर इतना। फिर मैं इसको करके दोनों को सेम ऐसे ही रखना है, एक के ऊपर एक, चार हो गए। अब मैं इनको क्या करूँगा, ऊपर की तरफ कॉपी कर दूंगा एक बार राइट क्लिक, तो इसको मैं ग्रुप कर दूंगा। मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब इसमें से मैं एक लीड मार, एक फुल लीड मार, तीनों को ग्रुप करके और शिफ्ट करके से पकड़ के सेंटर में कर दूंगा इसके सी। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा कंट्रोल दबा के, ये मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा जैसे मैंने अपनी साइड में मिलाया था। दोनों को सिलेक्ट करके दोनों लाइनों को नीचे की तरफ कॉपी कर दूंगा, मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा। इतना हो गया। अब मैं एक बार और दोबारा से कॉपी कर दूंगा। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने फूल बनाने हैं, कितना बड़ा साइज चाहिए, उसके हिसाब से आप बना लेना। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया लाइन के ऊपर। ठीक है, अभी सारे को सिलेक्ट करके मैंने एक के ऊपर एक है, याद रखना एक के ऊपर एक है सारी। ये अब मैं इसको फर्स्ट वाले से वेल्ड कर दिया मैंने। ये देखिए ये ऐसा बन गया। अब मुझे किस साइज में रखना है वो हम देखेंगे। जैसे मुझे इस साइज में रखना है तो मैं पहले इसके अंदर बॉर्डर दे दूँगा। जैसे मैंने 1 इंची का बॉर्डर दे दिया इसमें, 1 इंच ज़्यादा, आधा इंच, वो तो आप अपने हिसाब से दे देना कितने बड़े साइज में रखने हैं आप, उसके हिसाब से कितना बॉर्डर मांगा है आप उसके क्लाइंट ने।
कंट्रोल कैसे, इसको तो बाहर निकाल के स्विफ्ट के साथ ई सी इसमें रख के अब मुझे क्या करना है, इसको दोनों सेलेक्ट है अभी, तो मैं इसको तीसरे वाले ऑप्शन से एक मिनट करने के बाद ये ऐसा हो गया डिवाइन, तो मैं स्विफ्ट और इसके अंदर रख दूँगा। अंदर रखने के बाद मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगा और कर दूँगा। तो ये देखिए हमारा डिजाइन बन गया, ये देखिए ये डिज़ाइन बना है हमारा।